हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 50 मिनट में मैं किस तरीके से अपना जो किचन है वो क्लीन करती हूँ। वैसे मैंने आपके साथ वीडियो पहले भी शेयर किया हुआ है, बट वो था मेरे घर का, और ये है वाला किचन है, ये है मायके का। तो आज मैं शेयर करूँगी कि मॉर्निंग में जो हालत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब होती है, तो किस तरीके से जो है ना मैं अपने 50 मिनट में किचन को साफ़ करती हूँ। तो सुबह का टाइम है और सबका ब्रेकफास्ट जो है ना वो हो चुका है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे ना पर्सनली ऐसे वाले वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ दोबारा से ये वाला जो वीडियो है शेयर कर रही हूँ। और तो अभी सबने नाश्ता कर लिया है, तो जैसे दूध है, पराठे हैं, आटा है, जितना भी अभी बचा हुआ है ना, तो उसको भी मैं दूसरे बर्तन में सबसे पहले मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। और जो चीज़ जैसे गंदे बर्तन हैं और उनको मैं सिंक में रखती हूँ। उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत सामान रहता है तो उनको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके, और जो गंदे बर्तन निकलते हैं उनको मैं सिंक में डाल देती हूँ। तो इतना जो काम जो होता है वो मैं अभी ख़त्म कर लेती हूँ। और जो भी जैसे सामान होते हैं, जैसे फ्रिज के जो सामान होते हैं उनको मैं फ्रिज के अंदर रख रख देती हूँ। तो अभी जो है ना, अभी तेल बचा हुआ था कढ़ाई में, क्योंकि पकोड़े तले थे, इसलिए जो है ना मैं इसमें से तेल जो जितना ही बचा था उसको मैंने कटोरी में रख दिया है, और साफ़ करके कटोरी को मैं अच्छे से उसको रख दूँगी। अब जो बाकी जो सामान है जैसे फ्रिज में रखने वाले हैं तो मैं अब वो रख रही हूँ। तो इस तरीके से जब मैं साफ़ करती हूँ ना, तो जल्दी ही 50 मिनट के अंदर अंदर जो किचन है वो क्लीन हो जाती है मेरी, जैसे मैं साफ़ करती हूँ। तो अगर आप सब भी इस तरीके से साफ़ करोगे ना, तो आपका भी किचन जो है ना वो अच्छे से 50 मिनट में अच्छे से आपका जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। बस आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ, मुझे इतने मिनट में किचन या घर जो भी है आपको क्लीन करना है, तो आप देखिए कि फटाफट से ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब साफ़ हो गया। और एक और चीज़ बताती हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, कि जब भी मैं अपना घर का काम करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो सबसे पहले मैं गाने चला लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि एक तो काम में मन भी लग जाता है और पता भी नहीं चलता कि जो हमारा काम है वो कब ख़त्म हो गया। तो देखिए, अभी जो घर की जो न्यू बहू है वो भी पास में खड़ी हुई है, वो मेरी हेल्प करवाने के लिए खड़ी थी, बट मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, अभी बस ये मेरा काम है, ये मैं कर लेती हूँ, और जितने जो नीचे के जो कबर्ड बने हुए हैं ना, मतलब कबर्ड कह रही हूँ इस तरीके से जो बने हुए हैं ना, उनको मैं अच्छे से अरेंज करके मतलब रखा है। और उसमें से मैंने एक बार पोछा भी मार दिया ताकि जितना भी कूड़ा हो पहले ही बाहर निकल जाए। और अब बारी आती है ये सारा ना टोकरी में जो सामान है, जैसे कि प्याज, अदरक, आलू, इन सबको भी मैं अच्छे से अरेंज करके रख रही हूँ। नीचे का सारा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब मुझे जो गैस स्टोव है उसको मुझे क्लीन करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो भी जितना भी काउंटर टॉप पे जितना भी सामान रखा है उसको थोड़ा सा मैं साइड में कर दूँगी, ताकि मुझे इजीली से साफ़ करने के लिए जगह मिल जाए। तो अभी जो है ना, मैं अभी गीला जो ब्रश होता है वो मैं लेके आऊँगी, उसमें साबुन वगैरह लगा के तो मैं अच्छे से जो गैस है उसको साफ़ करूँगी।
गैस को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। वैसे अगर जैसे मैं अपने घर पर रहती हूँ तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो है ना, अगर मैं अपनी गैस साफ़ करती हूँ तो पानी से करती हूँ, है ना, ताकि वो अच्छे से वो निकल जाता है। बट यहाँ पर ना मैं पानी से नहीं कर पाई, क्योंकि क्या था ना कि यहाँ पर पानी का थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे ना गिर जाए, नीचे गिरता तो पूरा जो सामान है वो गीला हो जाता है। इस वजह से जो है ना मैंने इस तरीके से इसको साफ़ किया है जल्दी जल्दी। आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा तो मैं बहुत ज़्यादा ही आराम से साफ़ कर रही हूँ, तो ज़्यादा जल्दी साफ़ नहीं कर रही हूँ। तो बस अभी बार बार मैंने गीले कपड़े को इससे अच्छे से लिया और एक बार साफ़ कपड़ा लेके फिर मैंने गैस को अच्छे से क्लीन किया। इससे क्या होता है ना, गैस बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। गैस को साफ़ करने के बाद फिर बारी आती है काउंटर टॉप को क्लीन करना। तो उसको भी मैं अच्छे से एक दो बारी अच्छे से गीला कपड़ा करके उसको अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो काउंटर टॉप है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और एक एक चीज़ हटाकर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का ही टाइम होता है हमारे पास कि हम किचन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो किचन एक ऐसी जगह होती है ताकि हम यहाँ पर आधे से ज़्यादा समय पर जो टाइम बीतता है वो किचन में बीतता है। इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो किचन है ना वो अच्छे से सुबह के ही टाइम साफ़ कर लूँ, ताकि सुबह थोड़ा सा टाइम लगता है किचन में, बट ये है कि एक बार में जो पूरे दिन की जो सफाई होती है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जो है ना सारे बर्तन को मैंने अच्छे से धो के, मतलब वैसे ही मैंने पानी से निकाल दिया है, जितना भी जैसे जूठा निकला है तो उसको मैंने उसको एक पॉलिथीन में भर के और सिंक को अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद जो है ना बर्तन को मैं एक एक करके मैं सिंक में मतलब माँज के उसको रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बर्तन को धो दूँगी। बस अभी सारे बर्तन धुल चुके हैं, और जैसे छोटे से जैसे वाइपर हो गए, या जो आपको छोटा सा वाइट कलर का दिख रहा होगा ये डस्टबिन है, तो इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये चीज़ ना डेली ही क्लीन होती है, सुबह के टाइम ही होती है वैसे, बस डेली होती है। तो अगर डेली डेली हम साफ़ करेंगे ना तो ये चीज़ भी साफ़ रहेगी, और हमारे पास जो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता है, जैसे हम कभी सफाई करते हैं ना उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी हमारे पास बच जाता है। तो ये इसमें जो है ना कूड़ा डालते हैं, तो ये जो पॉलीथीन है वो भर चुकी है, तो इसको मैं उसको अच्छे से क्लीन करके डस्टबिन को उसमें मैं न्यू पॉलीथीन लगा दूंगी। और वैसे तो शादी वाला घर था तो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, बट इस टाइम पे ना हर कोई मतलब घर को थोड़ा सा क्लीन कर रहा था। तो जो मेरी बहन है ना वो छोटी वाली, वो बाहर वाला का एरिया थोड़ा साफ़ कर रही थी, और मम्मी वो नीचे का थोड़ा ठीक कर रही थी। भाभी भाभी को थोड़ा सा ना आराम दिया हुआ है, डॉक्टर ने ना उनको आराम करने के लिए बोला है, तो उनसे भी हम थोड़ा बहुत काम नहीं करवा रहे हैं, इसलिए तो वो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। फाइनली जो किचन है वो नीट एंड क्लीन हो गई है, तो आप देख सकते हो। और कैसा लगा आपको मेरा मॉर्निंग किचन क्लीनिंग, जो कि मैंने 50 मिनट में इसको क्लीन किया है। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि मॉर्निंग में किचन कैसा था और जब क्लीन हुआ है तब कैसा लगता है। और अपना जो व्लॉग है यहीं पर ही एंड करती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।